नमस्कार दर्शकों, बुध अपने मित्र शुक्र की राशि तुला में गोचर करते हुए 3 नवंबर मंगलवार की रात्रि 11:15 पर मार्गी हो रहे हैं। अपनी मार्गी अवस्था में ही भ्रमण करते हुए 28 नवंबर की सुबह 7:02 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध और शुक्र वर्तमान समय में परस्पर अन्योन्याश्रित योग बनाए हुए हैं। इसी के प्रभाव स्वरूप भारतीय बाजारों में धीरे धीरे खरीदारों की संख्या बढ़ रही है और दुकानदारों के चेहरे पर रौनक वापस आने लगी है। इनका मार्गी होना उन जातकों के लिए विशेष खुशखबरी है जिनकी जन्म कुंडली में बुध केंद्र अथवा त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं। मिथुन एवं कन्या राशि के स्वामी बुध मीन राशि में नीच राशि गत और कन्या राशि में उच्च राशि गत संज्ञक माने गए हैं। इनका मार्गी होना सभी राशियों के लिए किस तरह का फलकारक रहेगा, इसका ज्योतिषीय विश्लेषण आइए करते हैं। तो दर्शकों, तो शुरुआत करते हैं मेष राशि की। राशि से सप्तम भाव में बुध का मार्गी होना कार्य व्यापार की दृष्टि से अति उत्तम रहेगा। नया व्यापार आरंभ करने अथवा नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के भी अवसर आएंगे। दैनिक व्यापारियों के लिए भी ये योग किसी वरदान से कम नहीं है। दूसरी राशि वृषभ राशि की अगर बात करते हैं तो राशि से छठे शत्रु भाव में बुध का उदय होना कार्य व्यापार की दृष्टि से थोड़ा तनाव दे सकता है, क्योंकि आर्थिक हानि की संभावना रहेगी। किसी को अधिक धन उधार के रूप में देने से बचें, नहीं तो आपके अपने व्यापार के लिए उचित समय पर धन उपलब्ध होना मुश्किल हो जाएगा। मिथुन राशि की अगर बात की जाए तो राशि से विद्याभाव में मार्गी बुध संतान संबंधी चिंता से मुक्ति प्रदान करेंगे। विद्यार्थियों अथवा प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। कर्क राशि की अगर बात की जाए तो राशि से चतुर्थ भाव में मार्गी बुध सामान्य फलकारक सिद्ध होंगे। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पेट संबंधी विकार से बचें, मित्रों अथवा संबंधियों से भी संबंधों में मधुरता बनाए रखें। सिंह राशि की अगर बात की जाए तो राशि से पराक्रम भाव में बुध का मार्गी होना आपको अति उत्साही बनाएगा। आय के साधन बढ़ेंगे, रुका हुआ धन भी वापस मिलने की उम्मीद है। अपने कुशल नेतृत्व शक्ति और अदम्य साहस के बल पर कठिन परिस्थितियों पर भी नियंत्रण पाने में आप सफल रहेंगे। कन्या राशि की अगर बात की जाए तो राशि से धन भाव में बुध का मार्गी होना और इनका शुक्र के साथ अन्योन्याश्रित योग निर्मित करना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसलिए ऐसे समय में कोई भी बड़े से बड़े कार्य आरंभ करना चाह रहे हों अथवा किसी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाह रहे हों तो अवसर हाथ से जाने ना दें। तुला राशि की बात की जाए तो आपकी राशि में बुध का मार्गी होना काफ़ी दिनों से प्रतीक्षित पड़े हुए कार्यों का निपटारा करने में सहायक सिद्ध होगा। सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, शासन सत्ता का भी पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपके लिए किसी सम्मान अथवा पुरस्कार की भी घोषणा हो सकती है। आध्यात्मिक उन्नति होगी और धार्मिक समारोह में भी दान पुण्य करेंगे। दिवाली बाद पारिवारिक के कारण मानसिक अशांति बढ़ सकती है, जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगा। कन्या राशि वृश्चिक राशि की बात की जाए तो राशि से व्यय भाव में बुध का मार्गी होना आपके लिए अत्यधिक व्यय और यात्राएं करने का द्वार खोल देगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें। धनु राशि की बात की जाए तो राशि से लाभ भाव में मार्गी बुध कई तरह के अप्रत्याशित परिणाम दिलाएंगे। आय के स्रोत बढ़ेंगे और दिया गया धन भी वापस मिलने की उम्मीद। उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। मकर राशि की बात की जाए तो राशि से कर्म भाव में मार्गी बुध और साथ में बैठे हुए सूर्य, इन दोनों के प्रभाव स्वरूप आपके लिए ये समय वरदान से कम नहीं है। रोजगार की दिशा में किए गए सभी प्रयास सार्थक होंगे। कुंभ राशि की बात की जाए तो राशि से भाग्य भाव में मार्गी बुध हर तरह से लाभदायक सिद्ध होंगे। कार्य व्यापार में अच्छी उन्नति होगी, जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश में लगे थे वही मदद के लिए आगे आएंगे। मीन राशि की बात की जाए तो राशि से अष्टम भाव में मार्गी बुध स्वास्थ्य के प्रति विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं। पेट संबंधी विकार, चर्म रोग तथा हृदय रोग विकार से बचें। कार्य क्षेत्र में भी षड्यंत्रकारी आपके खिलाफ सक्रिय रहेंगे। बेहतर रहेगा कि कार्य संपन्न करें और सीधे घर आएं। तो दर्शकों, ये थी ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नेक्स्ट 9 स्पीशो से रजत की रिपोर्ट।